पठानकोट हमले की जांच के लिए पाकिस्तान के ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। ये टीम पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकी की भूमिका की जांच करेगी। इस जांच दल में पाकिस्तान की आईबी, आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी शामिल होंगे। पाकिस्तान से आ रही खबरों की माने तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपनी तीनों एजेंसियों के अधिकारियों को पठानकोट हमले में पाकिस्तान से जुड़े लोगों की जांच करने को कहा है। गौरतलब है कि पठानकोट हमले के बाद खुद पाक पीएम नवाज शरीफ ने पीएम मोदी को फोन कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया था और भारत सरकार की तरफ से भी पाकिस्तान को कार्रवाई के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के गठन की खबर वहां से आ रही है। और वहीं बीजेपी महासचिव राम माधव का कहना है कि उम्मीद है कि जेआईटी सही दिशा में काम करेगी। इन सारे विषयों को संबंधित जो सीनियर लोग हैं उनका निरीक्षण करेंगे और उचित निर्णय करेंगे। और उधर रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने जेआईटी पर सवाल खड़े किए हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम में जो लोग शामिल है उसमें आईएसआई भी शामिल है और आईएसआई तो खुद इन्वॉल्व है, तो खुद अपने आप को क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? ह्यूज क्वेश्चन मार्क। और अगर पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होती, जिसको पूरी दुनिया वॉचआउट कर रही है, तो आइंदा ऐसा हादसा हो तो हिंदुस्तान हर प्रकार से जस्टिफाइड होगा। इमीडिएट, स्विफ्ट और प्यूनिटिव एक्शन खुद ब खुद कर सकता है दहशतगर्दों के खिलाफ, उनके लीडर्स के खिलाफ।